दोस्तों कलर्स टीवी पर प्रसारित होने जा रहा नया टीवी शो पिशाचिनी दर्शकों को काफी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है, जिसकी वजह से शो का दमदार कॉन्सेप्ट और शो में नजर आने वाली पिशाचिनी यानी कि न्यारा बैनर्जी ही इसकी मुख्य वजह है, जिन्होंने इस किरदार को अपने एक्टिंग से जहां काफी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है, तो वहीं शो में इनका लुक भी दर्शकों को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसकी वजह से हर कोई इनकी तारीफें करता नजर आता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पिशाचिनी का किरदार निभाकर तारीफें बटोरने वाली न्यारा बैनर्जी इस किरदार के लिए पहली पसंद नहीं है, बल्कि इनसे पहले भी टीवी इंडस्ट्री की चार अभिनेत्रियों को इस रोल का ऑफर दिया गया था, पर उन सभी ने किसी न किसी कारण के चलते इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। तो आखिरकार कौन सी है वो अभिनेत्रियां जिन्होंने इस दमदार रोल को रिजेक्ट किया है, आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो के जरिए। नंबर एक टीना दत्ता, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार होता है अभिनेत्री टीना दत्ता का। बता दें टीना दत्ता पिशाचिनी रोल के लिए सबसे पहली पसंद थी, पर क्योंकि टीना दत्ता ने शो को करने से इनकार कर दिया, इसी वजह से ये शो न्यारा के हाथ लगा। और अगर बात करें इसकी वजह की, तो इसकी स्टोरी है इसकी वजह जो कि टीना को बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं लगी, और इसी वजह से उन्होंने शो को करने से इनकार कर दिया। नंबर दो जिज्ञासा सिंह, थपकी और सत्य अस्तित्व के एहसास की जैसे टीवी शो से मशहूर होने वाली जिज्ञासा सिंह भी इस शो में पहले पिशाचिनी के रोल के लिए पसंद की गई थी, पर उन्होंने भी शो को करने से इनकार कर दिया। और बात करें वो भला क्यों, तो इसकी वजह है कि जिज्ञासा लंबे समय से ही अपने हेल्थ से जुड़ी कई परेशानियां झेल रही है, जिसकी वजह से ये अभी भी काम नहीं करना चाहती, और इसी की वजह से उन्होंने इस शो को करने से मना कर दिया। नंबर तीन जिया मानिक, मेरा साथ रहे शो में जिया मानिक ने एक बार फिर से दर्शकों का काफी दिल जीता था, जिसकी वजह से इस शो के बंद होने के साथ ही मेकर्स ने इन्हें भी इस शो में कास्ट करने का सोचा और इन्हें शो का ऑफर दे डाला, पर जिया मानिक ने भी ये कहते हुए शो को मना कर दिया कि ये पिशाचिनी के रोल में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि इनका भी यही मानना है कि इनका चेहरा काफी सीधा साधा और भोला भाला किरदारों के लिए बना है, और इसीलिए इस शो पर अपना टाइम वेस्ट करने की इन्हें कोई जरूरत नहीं है। नंबर चार सुरभि चंदाना, इश्कबाज और नागिन जैसे बेहतरीन टीवी शोज देने वाली सुरभि चंदाना भी इस सुपर नेचुरल शो के लिए एक पसंद बन गई थी, पर सुरभि चंदाना ने भी इस शो में पिशाचिनी के रोल को करने से इनकार कर दिया। और बात करें इसकी वजह की, सुरभि चंदाना ने इससे पहले शेर दिल शेर गिल शो को करने के लिए हामी भर चुकी थी, इसीलिए ये शो की कहानी इन्हें इतनी पसंद नहीं आई और इसीलिए इन्होंने इस शो को करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन अभिनेत्रियों में से कौन सी अभिनेत्री शो के लिए मेकर्स की बेस्ट चॉइस है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।